दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करते हैं कि पत्नी कब कब कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें पति की प्रॉपर्टी और सास ससुर की प्रॉपर्टी पे दावा पेश कर सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों पति और पत्नी दोनों के लिए और जानना भी बहुत जरूरी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों नो टाइम पास नो बकवास सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों कॉमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पहली कंडीशन जब आती है कि मान लीजिए कि कोर्ट के द्वारा पति पर मेंटेनेंस बनाया गया है और उस सिचुएशन में पति मेंटेनेंस पत्नी को नहीं देता है, तो उस टाइम पे पति की सेल प्रॉपर्टी जो भी पति के नाम से प्रॉपर्टी है उसे कुर्क करके पत्नी को दे दिया जाता है और उसमें से पत्नी अपना दावा पेश कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर पत्नी भाई आपका मेंटेनेंस कोर्ट से बन चुका है, कोर्ट बनने के बाद भी आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क करेगा और उसमें से आप 50% प्रॉपर्टी आपकी पत्नी के नाम कर दिया जाएगा, यानी प्रॉपर्टी कुर्क करके आपकी पत्नी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों पहली कंडीशन ये होती है कि जब आप मेंटेनेंस नहीं देते हो तो आपकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी और आपकी पत्नी को दे दी जाएगी। सेकेंड कंडीशन आती है दोस्तों कि मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उस सिचुएशन में किसी भी हादसे में पति की मौत हो जाती है, तो उस कंडीशन में पत्नी प्लस साथ में जो बच्चे हैं वो पति की प्रॉपर्टी पर अधिकार है और सेम राइट उस पत्नी को मिलेगा। साथ में कोई पितृक संपत्ति पिता पति को मिली हुई है तो उसमें से भी पत्नी का पूरा अधिकार होगा। यहाँ पे कंडीशन एक शर्त ये लगती है दोस्तों कि पत्नी दूसरी शादी नहीं करना चाहिए और उस जो पति का घर है वहाँ पे अपने बच्चों को साथ में रखती हो, तो उस सिचुएशन में पत्नी भी पति की प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा पति को आता है उसमें समान अधिकार रख सकती है। तीसरी सिचुएशन आती है दोस्तों कि जब मान लीजिए कि जॉइंट प्रॉपर्टी आपकी हस्बैंड और वाइफ की है और दोनों ने पैसा उसमें ऐड किया इंक्लूड किया है, दोनों ने पैसा लगाकर प्रॉपर्टी खरीदी है, उस सिचुएशन में भी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग सकती है। जी हाँ दोस्तों, जॉइंट जो जॉइंट में अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ ने खरीदा है तो 50% वैसे भी पत्नी की होगी, तो उस सिचुएशन में पत्नी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है। तो दोस्तों तीन ही ग्राउंड होता है जिस सिचुएशन में पत्नी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है, आपके पिता की प्रॉपर्टी में पितृक संपत्ति में ले सकती है, अदरवाइज किसी भी प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं ले सकती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पत्नी कौन कौन सी सिचुएशन में आपसे आपके प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।